नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। आपको पता है कि पॉलिनेशन जो है दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी कहते हैं। आपको पता है कि सेल्फ पॉलिनेशन की जो कंडीशन होती है वो बाईसेक्सुअलिटी है, होमोगैमी है और क्लिस्टोगैमी है। और क्रॉस पॉलिनेशन की जो कंडीशन है वो डाइचोगैमी है, डाइक्लाइनिया यूनिसेक्सुअलिटी है, हेट्रोस्टाइलिया और हेरकोगैमी है। आपका डाइक्लाइनिया यूनिसेक्सुअलिटी में दो टर्म आते हैं, एक का नाम है मोनोसियस प्लांट और दूसरे का नाम डायोसियस प्लांट है। तो हम बात करेंगे क्या मोनोसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट की। तो चलिए हम बात करते हैं मोनोसियस प्लांट की। हम बात करेंगे, देखिए मोनोसियस मोनोसियस प्लांट की बात करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर फाउंड ऑन दी सेम प्लांट। मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर फाउंड ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट पर अगर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाते हैं, मैं फ्लावर की बात कर रहा हूँ याद रखिएगा, तो वो मोनोसियस प्लांट होता है। अब देखिए इसमें क्या क्या आपके एग्जांपल हैं। इसमें देखिए सबसे पहले एग्जांपल यहाँ है मेज है। सबसे पहले हम बात करें मेज की, मक्का जिया मेज। दूसरा इसमें है कैस्टर और तीसरा इसमें देखिए है कोकोनट और चौथा है इसमें है कुकर बीट्स। एक चीज याद रखिएगा, जब भी कुकर बीट्स टर्म आए बच्चों तो उसका मतलब होता है मेंबर्स ऑफ फैमिली कुकरबिटेसी। तो ये कुकरबिट्स के आगे देखिए मैं लिख रहा हूं क्या, ये आपका मेंबर्स ऑफ फैमिली कुकरबिटेसी, मेंबर्स ऑफ फैमिली कुकरबिटेसी। आपको पता है कुकरबिटेसी में यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, मतलब एक ही प्लांट पर मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग पाए जाते हैं। वहाँ बाईसेक्सुअल फ्लावर का केवल एक होता है, जहाँ पाया जाता है बाईसेक्सुअल फ्लावर उसका नाम साइजोपेपान है। तो ये आपका क्या हो गया मोनोसियस के प्लांट के एग्जाम्पल हो गए मेज, कैस्टर, कोकोनट और कुकरबिट्स। इसके अलावा आपको पता है कि मोनोसियस में आपका क्या क्या हो जाएगा, कारा एक प्लांट है आप जानते हैं, ग्रीन एल्गा कारा CHARA, कुछ लोग चारा भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, कारा या चारा वो भी क्या है मोनोसियस प्लांट है, लेकिन वो फ्लावरिंग प्लांट नहीं, वो ग्रीन एल्गा है। इसके अलावा आपका जो पाइनस का प्लांट है, पाइनस का वो भी मोनोसियस प्लांट है, पाइनस जिम्नोस्पर्म है। और आपको पता है जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीडेड प्लांट कहते हैं। और आपको पता है कि पाइनस में मेल कोन और फीमेल कोन दोनों एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं, तो वो भी मोनोसियस प्लांट है। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि जो मोनोसियस कंडीशन है वो ऑटोगैमी को प्रिवेंट करती है लेकिन जेईटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाती। तो एक पॉइंट यहाँ लिख लीजिएगा, देखिए मैं लिख दे रहा हूं क्या कि मैं लिख रहा हूं मोनोसियस कंडीशन प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट दी जेईटेनोगैमी। ये देख लीजिएगा मैं पढ़ दे रहा हूं, मोनोसियस कंडीशन प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट दी जेईटेनोगैमी, मतलब ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेगा लेकिन जेईटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा मोनोसियस कंडीशन। ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो आगे मैं बात करूंगा, देखिए इस क्या इसमें आपका डायोसियस प्लांट की, डायोसियस डायोसियस
प्लांट की मैं बात करूंगा। देखिए डायोसियस क्या होता है, इसमें मेल मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर पाउंड फाउंड ऑन डिफरेंट, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर फाउंड ऑन डिफरेंट, फाउंड ऑन डिफरेंट प्लांट। हमने क्या लिखा, देखिए मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर फाउंड ऑन डिफरेंट प्लांट। हम डिफरेंट के जगह सेपरेट प्लांट भी लिख सकते हैं कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर पाए जाते हैं। तो जिसमें मेल फ्लावर पाया जाएगा वो मेल प्लांट हो जाएगा, जिसमें फीमेल फ्लावर पाया जाएगा वो फीमेल प्लांट हो जाएगा। इसका देखिए एक जीता जागता जो एग्जाम्पल है, जो आपसे बार बार टकराया हुआ है, उसको आप जानते हैं, वो है आपका पपाया। पपाया जिसे आप पपीता कहते हैं, पपाया हो गया। इसके अलावा इसमें डेट पाम हो गया, डेट पाम हो गया। तो पपाया और डेट पाम, ये आपका डायोसियस प्लांट है। गांव में देखिए जो मेल पपीता का प्लांट होता है उसको लोग कहते हैं ये बंझा स्टेराइल, उसको काट देते हैं। उनको ये नहीं पता है क्योंकि उस पर फ्रूट लगता नहीं है, क्योंकि फ्रूट क्या है, राइपेंड ओवरी या मेच्योर ओवरी है, तो उसको लोग काट देते हैं। जबकि वो मेल प्लांट है, उसका रहना भी जरूरी है, रहेगा तभी पॉलिनेशन होगा। तो उसको कहते हैं ये बंझा है, बंझा नहीं होता, वो मेल है, जो फीमेल होता है उस पर फ्रूट लगता है। तो पपाया हो गया, डेट पाम हो गया। एक लाइन और मैं यहाँ जो एनसीईआरटी का है वो लिख देता हूँ कि डायोसियस कंडीशन, डायोसियस कंडीशन, डायोसियस कंडीशन प्रिवेंट्स, डायोसियस कंडीशन प्रिवेंट्स, प्रिवेंट्स बोथ, प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी, ऑटोगैमी एंड जेईटोनोगैमी, जेईटोनोगैमी। तो डायोसियस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जेईटोनोगैमी। डायोसियस कंडीशन दोनों को प्रिवेंट करती है, ऑटोगैमी को भी और जेईटोनोगैमी को भी। ये एनसीईआरटी की लाइन है। मैं एक चीज़ और बता दूं, कुछ और डायोसियस प्लांट हैं जो फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, जैसे ब्रायोफाइट्स में मार्केंशिया है। मेल फ्लावर और फीमेल, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, क्योंकि जिस जो मेल होता है उसके पास एंथ्रिडियोफोर होता है, जो फीमेल होता है उसके पास गोनियो फोर होता है। इसी तरह से साइकस एक आपको पता है जिम्नोस्पर्म है, और साइकस में वो अलग अलग पाए जाते हैं। जो मेल होता है साइकस को उसमें कोन पाया जाता है, मेल कोन, और फीमेल के पास फीमेल कोन नहीं पाया जाता, उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी बॉटनी में कर रहे हैं, चाहे MPPSC, चाहे छत्तीसगढ़ PSC, चाहे आप UPPSC, UPHSC, UK उत्तराखंड PSC, हरियाणा PSC, राजस्थान PSC, बॉटनी में आप हमसे जुड़ सकते हैं निश्चित सफलता के लिए। इसके अलावा जो हमारे यहाँ कोर्सेस हैं टीचर्स अकेडमी में, BPSC, PGT, बॉटनी और सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, 3.0, 4.0 के लिए, UP, TGT, PGT, LT ग्रेड सारे सब्जेक्ट, GIC, PGT सारे सब्जेक्ट, DSSSB, EMRS सारे सब्जेक्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल है। और इसके अलावा दूसरे राज्य के भी TGT, PGT जैसे चंडीगढ़, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड का भी उपलब्ध है। नया बैच, न्यू बैच हमारे यहाँ इस सारे कोर्सेज के लिए 26 मार्च से शुरू हुआ है। 26 मार्च से हमारे यहाँ टारगेट नौकरी बैच शुरू हुआ है। इसके अलावा हमारे यहाँ निःशुल्क बैच चलता है, निःशुल्क एकलव्य बैच, और फ्री टेलीग्राम भी है, उससे आप जुड़ें। एकलव्य बैच में आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, बिल्कुल निःशुल्क बैच है। बस आपको यहाँ कॉल करना पड़ेगा 9628959237 पर, और अकेडमी से आपको जानकारी मिलेगी। ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा।